हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी वेलकम टू माय चैनल माय नेम इज़ अंजू और आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ सिटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम का रिव्यू यू नो सिटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम इट्स माय फेवरेट क्रीम आप सभी को पता होगा जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं uh, कि मैं मेकअप करने से पहले इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को ज़रूर अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी क्रीम लगती है बिकॉज़ काफ़ी हाइड्रेटिंग क्रीम है ये और मेरा फेस जैसे कि ड्राई है तो ड्राई स्किन वालों के लिए ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम काफ़ी अच्छी है. मैं इसे डेली रूटीन में भी यूज़ करती हूँ मेरे फेस को इतने अच्छे से हाइड्रेट कर देती है इसलिए मैंने सोचा इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है है आ, कौन कौन सी स्किन टाइप वाले इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं तो सिटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम नेस्ले ब्रांड का है गाइस और सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग की बात कर लेती हूँ तो ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है और इसके अंदर ये मिलती है ये ट्यूब जो कि मेरे पास ख़त्म होने वाली है इस तरीके की आपको ट्यूब पैकेजिंग में आपको ये मिलेगा और एक ये इस बॉक्स पैकेजिंग में भी आता है इसका बड़ा इसकी एम है फोर ट्वेंटी और ये एटी ग्राम का है एंड इसकी एम है टू फिफ्टी ग्राम एंड ये नाइन uh, थर्टी रुपीज़ का है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ख़त्म होने वाली थी ट्यूब तो मैंने इसका बड़ा पैक ही मंगा लिया uh, काफ़ी टाइम से मैं इसी ट्यूब को यूज़ कर रही हूँ अब मैंने इसलिए मंगा लिया क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है इसलिए मैंने इसका बड़ा पैक ही मंगवा लिया है अब मैं इसको गैस इस निकाल के दिखाती हूँ आपको अपने हैंड पर तो इसको मैंने अपने हाथों पर निकाल लिया है आप देखोगे कि एक वाइट कलर का प्रोडक्ट है और इसकी कंसल्टेंसी की अगर मैं बात करूँ कि काफ़ी ठीक है ये तो अगर आप इसको मसाज करोगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में अब्ज़र्व हो जाता है आ, ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत कुछ ज़्यादा सा लगाया अपने फेस पे बहुत ही अच्छे से ये अब्ज़र्व हो जाता है और, और लॉन्ग लास्टिंग आपके फेस को जो है हाइड्रेटिंग प्रोवाइड कराता है आ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली मैं आ, इसको इतना यूज़ करती हूँ कि मैंने इतना सारा मंगा लिया है और अगर मैं इसकी फ्रेगनेंस की बात करूँ तो काफ़ी माइल्ड है इसकी फ्रेगनेंस ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है बहुत ही माइल्ड है आपको लगेगा ही नहीं कि कोई भी खुशबू है इसकी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई खुशबू है ही नहीं तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये ऑल स्किन टाइप है गाइस मेल हो या फीमेल दोनों ही इसे अप्लाई कर सकते हो आप इसको फेस एंड बॉडी दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हो ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें एक लोशन रखना पड़ता है एक क्रीम रखनी पड़ती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम तो ये इसकी अच्छी बात है सिर्फ एक ही रख लो दोनों काम हो जाएंगे आप अपने इसे बॉडी पर भी लगा सकते हो और अपने फेस पर भी लगा सकते हो तो ये इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी है बात और ये डॉक्टर्स द्वारा रिकमेंड की गई क्रीम म है और ये आपको लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेटिंग प्रोवाइड कराती है आ, मतलब काफ़ी टाइम तक आपका फ़ेस जो है इसको लगाने के बाद हाइड्रेट रहेगा ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आ, मैंने लगा लिया उसके बाद फेस जो है ड्राई लगने लग गया ऐसा नहीं है सुबह अगर आपने इसको लगा लिया तो शाम तक आपका फ़ेस बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहेगा आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड इसको आप अपने फेस पर और बॉडी पर डेली लगा सकते हो ऐसा नहीं है कि कभी कभार आप डेली यूज़ कर सकते हो अपने फेस पर भी और बॉडी पर भी और ये एक नॉन ग्रेसी क्रीम है नॉन ग्रेसी मतलब है कि अगर जब आप इसे लगाते हो तो आपको कोई भी चिपचिपापन फील नहीं होगा होता है ना जब हम किसी एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम को लगाते हैं तो वो कोई कोई क्रीम ऐसी होती है कि आ, बहुत ही चिपचिपापन फील कराती है हमको तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इसको लगाने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा चिपचिपापन फील नहीं होगा ये नॉन इरीटेटिंग क्रीम है नॉन इरीटेटिंग का मतलब है कि इसको लगाने के बाद आपके फेस पर कोई भी एलर्जी नहीं होगी कोई भी ईचिंग नहीं होगी इसमें ये लिखा हुआ है एंड ये आपके पोर्स को जो है क्लॉग नहीं करेगी एंड इसमें लिखा हुआ है कि ये जो क्रीम है जो ड्राई स्किन वाले हैं उन पर बहुत जल्दी असर करती है ड्राई स्किन वालों पे ये बहुत जल्दी अपना असर करती है बेसिकली इसमें ये लिखा हुआ है कि ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छी क्रीम है ये एंड ये क्रीम आपको हाइड्रेटिंग एंड स्मूथ फील कराती है मतलब इसमें लिखा हुआ है कि इस क्रीम को लगाने के बाद आपका फेस जो है बहुत ही स्मूथ लगता है हाइड्रेटिंग लगता है तो इसमें काफ़ी सारे इंग्रीडियंट्स हैं जो कि हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं जैसे कि हाइलोनिक एसिड है आलंड ऑयल है ग्रिसलिन है ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और भी इसमें जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं तो बेसिकली काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके बारे में बताई गई है तो गाइज इतना सब कुछ मेंशन है इस क्रीम में और डेफ़िनेटली ये क्रीम बहुत अच्छी है मैं इसे यूज़ करती हूँ तो गाइज़ मैं अब आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सोचते हैं कि एक मॉइस्चराइजिंग पे इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है बट मुझे ऐसा नहीं लगता है मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है मैं पहले आ, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर लेती थी जो भी हमारे घर पर होता था तो कभी मेरी स्किन ड्राई लगती थी कभी इचिंग होती थी कभी कुछ होता था कभी कुछ होता था कभी पिंपल हो गया कभी कुछ हो गया तो ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि मैं बहुत परेशान रहती थी इन चीज़ों से तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार मंगवा के देखते हैं देखते हैं कि आ, कैसा लगता है अगर अच्छा लगा तो ठीक है नहीं लगा तो नॉर्मल जैसे मैं यूज़ कर ही रही थी वही चीज़ें मैं यूज़ करने वाली थी तो फिर मैंने इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को मंगवाया इसका रिव्यू पढ़ के रिव्यू मुझे बहुत अच्छे लगे इसके नायका पर मैंने रिव्यू पढ़े मैं कोई भी चीज तभी परचेस करती हूँ कहीं से भी पहले मैं उसके रिव्यूज़ देख लेती हूँ अगर मुझे उसके रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं तो ही मैं उस चीज़ को परचेस करती हूँ तो मैंने जब इसको रिव्यू पढ़े तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये इसका रिव्यू तो मैंने सोचा एक बार ही मंगाने में क्या जाता है यार एक बार ही मंगवा ही लेती हूँ क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी ड्राई हो रही थी बहुत ज़्यादा ठीक ही नहीं हो रही थी मैं ग्रिसलिन भी यूज़ कर रही थी मॉइस्चराइजिंग क्रीम में लगा के बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रही थी बट स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती थी मतलब ऐसे तो सही थी देखने में लगता था लोगों को कि सही स्किन है बट मुझे ऐसा फील होता था कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है मैं क्या लगाऊँ अपनी स्किन पे जो स्किन हाइड्रेट रहे आ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था तो मैंने इस क्रीम को मंगा तो जब मैंने इस क्रीम को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था मैं आपके साथ ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आ, कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मेरी स्किन में हल्की सी ईचिंग हुई थी जो कि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ईचिंग नहीं होती है इसमें इस क्रीम में ऐसा लिखा हुआ है बट मुझे हल्की सी ईचिंग हुई थी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था और मुझे ऐसा लगा था कि नहीं यार अब इस क्रीम को मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि शायद मुझे ये सूट नहीं कर रही है ये क्रीम तो मुझे जब ईचिंग हुई थी तो मैंने इसको लगाना छोड़ दिया आ, बट मुझे ऐसा लगा कि यार इतने पैसे वेस्ट किया हुआ एक दो दिन और लगा के देख लेती हूँ क्रीम को तो जब मैंने सेकेंड टाइम इसे यूज़ किया उसके बाद मुझे इचिंग नहीं हुई फेस पे मतलब फ़र्स्ट टाइम मुझे इसलिए शायद इचिंग हुई होगी क्योंकि मेरा फेस शायद बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था इसलिए शायद इसने हल्का सा उस पर असर किया होगा तो इसलिए मुझे इचिंग हुई होगी बट तो मैं सच बताऊँ तो उसके बाद मुझे बिल्कुल भी इचिंग नहीं हुई और कंटिन्यू जब मैंने इस अप्लाई किया रोज़ मैं मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद इसको अप्लाई करती थी और नाइट में भी मैं इसको आ, सोते टाइम अप्लाई करती थी उसके बाद मुझे जो है एक हफ्ते बाद मेरी स्किन बहुत अच्छे से जो है हेल्दी स्किन जिसे कहते हैं ना बहुत ही प्लम्प लगने लगी और मुझे लगा ये मॉइस्चराइज़र ने वर्क किया है और इसने सच में अपना इतना अच्छा वर्क किया मुझे उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने अप्लाई करी ही नहीं मैंने जहाँ भी मैं जाती थी तो मैं अपना मॉइस्चराइजिंग क्रीम हमेशा साथ में रखती थी मैं किसी के यहाँ भी जा रही हूँ मैं किसी का भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ नहीं करती थी सिर्फ यही क्रीम यूज़ करती थी और आज तक मैं इसे यूज़ करती हूँ मुझे लगभग वन ईयर हो गया है इस क्रीम को यूज़ करते करते मुझे इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखे हैं ऐसा नहीं लगा है कि मेरे फेस पे वर्क नहीं कर रहा है बहुत अच्छे से मेरे फेस पे वर्क कर रहा है ये मेरे फेस जो है पहले बहुत ज़्यादा ड्राई होता था जब मैंने जब मैं कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेती थी तो उस टाइम सही रहता था थोड़ी देर बाद वो ड्राई लगने लगता था बट जो इसमें बात ये मेंशन की हुई है ना कि ये लॉन्ग लास्ट हाइड्रेटिंग प्रोवाइड कराता है तो गाइज़ ये सच बात है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमको जो है फेस पे हाइड्रेटिंग प्रोवाइड कराता है मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मैं इसको सुबह लगा लेती हूँ उसके बाद सनस्क्रीन लगा लेती हूँ मेरे को शाम तक कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ये बहुत अच्छे से वर्क करता है और गाइज ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग क्रीम होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप और चीज़ पे इन्वेस्ट करो ना करो स्किन केयर पे पर आपके पास एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम होनी बहुत ज़रूरी है गाइस तो आ, मैं इस सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम को हाईली रिकमेंड करूँगी जिनका फेस ड्राई है उनको तो हाईली रिकमेंड करूँगी बट मैं ऑयली स्किन वालों को ये क्रीम रिकमेंड नहीं करूँगी ऑयली स्किन वाले इसको क्रीम को ना ही लगाए तो अच्छा है बट सेंसिटिव स्किन है आपकी या फिर नॉर्मल स्किन है कॉम्बिनेशन है और मीतरा ड्राई स्किन है तो आपके लिए ये बेस्ट क्रीम है गाइस ट्रस्ट मी बहुत अच्छी क्रीम है मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है बिल्कुल ऑनेस्ट किया है uh, मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है तो काफ़ी अच्छा है ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो भी इसमें बातें मेन्शन की हुई हैं वो सच हैं सबकी सब सच हैं मुझे ऐसा लगता है मुझ पर तो इसने सच में जादू कर दिया इस क्रीम ने मुझे बहुत अच्छी लगी है तो मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगी गाइज़ और जो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे हैं मेरे फेवरेट हैं उनका भी आप लोगों के साथ में रिव्यू में शेयर करूँगी तो गाइज़ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर लव यू गाइज